Awesome. शान, ये लोग शिकायत लेकर आए हैं कि तुम किसी की बेटी को अगवा करके ले गए हो और सुल्ताना के अलावा बाकी सब लोग इस इल्जाम की ताईद कर रहे हैं। तुम क्या कहोगे इस बारे में? जिनकी बेटी है, जब उन्हें कोई एतराज नहीं है तो ये लोग कौन होते हैं इस बारे में बात करने वाले? निकाह किया है हमने। अरे नूर बीबी, वो क्यों इल्जाम लगाएंगे? हाँ, उनपे तो पहले ही मुतफिका तौर पर सब कुछ शुबा है कि तलाक और शादी कराकर ये कुछ धंधा शंदा कर रही है। हैं? शौकत अली, तुम्हारा ये इल्जाम मेरे पूरे खानदान की मौत के बराबर है। अरे छोड़ो। और अगर तुमने ये गंदा इल्जाम यहीं दफना किया तो तुम्हारे पूरे खानदान की मौत भी मेरे लिए काफी नहीं होगी। तुमने सुन लिया शौकत अली, इन दोनों ने निकाह किया है। ठीक है नूर बीबी, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। ऐसा जवाब दिया कि दिल खुश हो गया, बागों बहारा हो गया। अब तो खुली छुट्टी मिल गई सबको। यानी कि मोहल्ले में कोई भी शख्स किसी भी लड़की को हाथ से पकड़े और ले जाए और कहे अभी मैंने तो निकाह किया। आप नहीं, ये निकाह मेरी मर्जी से हुआ। हाँ तो पहले से कोई बात बात चल रही होगी ना? खबरदार, खबरदार जो अपने घटिया दिमाग से एक लफ्ज भी निकाला। मैं तुम सबको मना कर रहा हूं, कुछ भी कहने से पहले एक बार सोच लेना। और तुम शौकत अली, अपनी इस छोटी सी अनाह की खातिर अपनी जान को खतरे में मत डालो। शाहान अली शाह अपने घराने के वकार और इज्जत के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी की जान भी ले सकता है। बेहतर होगा कि अब तुम लोग एहतियात करो। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है, बड़ी बेइज्जती करा कर आए हैं। जिस औरत को आप पिछले 15 साल से अपने पैसे के बलबूते पर हराने की कोशिश कर रहे थे, फाइनली आज उसने आपको हरा दिया। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? सारी हिस्ट्री मालूम कर ली है मैंने माँ जी। अब्बा जी का पुराना मुआशका चल रहा है उस तलाकन आंटी से। ए लड़की, होश ठिकाने है तेरे या नहीं? क्या बकवास कर रही है? 3 साल से मैं बेहोश पड़ी थी, अभी तो होश में आई हूँ। मुझे लगा कि आप समीर को समझाएंगे, उसको सुधारने की कोशिश करेंगे, लेकिन आज मुझे पता चला कि आप तो खुद बिगड़े हुए हैं। अपनी जुबान संभाल कर बात कर लड़की, वरना मैं। वरना क्या, धमकी दे रहे हैं मुझे? भूल गए हैं मेरे भाई ने जो आपको धमकी दी है? तो मैंने अपने भाई को ये नहीं बताया कि आप सब एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, एक जैसे हैं आप सब लोग। मैंने तो अपने भाई को ये भी नहीं बताया कि 3 साल से अगर मैं मां नहीं बनी तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। ये क्या कह के गई है? तुमसे कहा था ना मैंने, कहा था कि अपनी ये बकवास बंद रखना कि समीर बच्चा पैदा नहीं कर सकता। कब तक ये दुख मैं ऐसे ही सहती रहूंगी? तो तुम चाहती क्या हो? बच्चे चाहिए? तलाक लेनी पड़ेगी, लेनी है? नहीं अम्मा, नहीं प्लीज, तलाक का नाम भी मत ले।
अच्छा ठीक है, देखो बेटा अब तुम भी इस बात को समझो, तुम्हारी बदकिस्मती है कि तुम बच्चा पैदा करने के काबिल तो हो लेकिन पैदा कर नहीं सकती। मैं राजा जी के सामने बात घुमाने की कोशिश करती हूँ, तुम सिर्फ मेरी हाँ में हाँ मिलाना, समझी? जी। चलो हाथ धो और आओ बाहर। मेरी एक बात कान खोलकर सुन ले लड़की, तेरे खानदान में मकूला मशहूर है, एक दफा जीना और एक ही दफा मरना और एक ही दफा शादी करना, ये माकूल सिर्फ औरत के लिए है, बेवा हो गई तो बेवा ही रहेगी सारी उम्र, इन्हें अगर भनक भी पड़ जाए कि इनके खानदान की लड़की तलाक लेना चाहती है तो इसके चेहलम तक के अखराजात साइड पे लगा देते हैं। तुम्हारी फितर तुम्हें मजबूर करती है मुश्किलात बढ़ाने के लिए। जज्बाती फैसले करने कब छोड़ोगे शाहान? तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुम्हारे एक गैर जिम्मेदाराना जुमले की वजह से ये हालात पैदा हुए थे और अब भी जो तुमने जज्बाती फैसला किया है उसके बाद भी जो हालात हैं वो सख्त मोड़ लेने वाले हैं। मुझे नजर आ रहा है शाहान कि तुमसे ये हालात कंट्रोल होने वाले नहीं है। लेकिन नूर बीबी, मैंने तो आपकी जबान का पास रखा है, अगर अब भी आपको लगता है कि मैंने कोई गलती की है तो अच्छी बात है कि तुम्हें एहसास हो गया कि तुमसे गलती हुई है। अगर तुम इसे अपनी आखिरी गलती समझ लो तो मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे। ठीक है, इस मामले में आप जैसा भी कहेंगी मैं वैसा ही करूंगा। शाबाश, इजाजत दीजिए। क्या हम बात कर सकते हैं? आप अपनी सुहागरात छोड़कर क्यों आ गए शाह साहब? देखो रोशन, शायद अगर मैं तुम्हें इस बात की वजह बता दूं कि मैंने दूसरी शादी क्यों की है तो तुम्हारा दुख थोड़ा कम हो जाएगा। क्या वाकई ऐसा है? हाँ, लेकिन एक वजह और भी, और वो वजह ये है कि हमारे खानदान में एक से ज्यादा शादियों का रिवाज है, उसकी रिवायत। हमारे घराने में तो ऐसी कोई रिवायत नहीं, नहीं हो, लेकिन हमारे खानदान में है और उसकी वजह ये है कि हमें ज्यादा से ज्यादा औलाद चाहिए, वारिस चाहिए। लेकिन आप तो फिर भी अकेले इकलौते हैं, ना कोई बहन ना कोई भाई। सही कह रही हूँ, और उसकी वजह यह है कि अब्बा जान की बाकी सारी औलाद अपनी नस्ल बढ़ाने से पहले इस दुनिया से चली गई। काफी लॉजिकल खानदान है आपका। वैसे तीसरी शादी कब कर रहे हैं आप? देखो अब तुम बात गलत साइड पर ले जा रही हो। एक बात तो बताएं शाहान,
जब हमारी शादी तय हुई थी तब आपने मुझे रिवायत क्यों नहीं बताई थी? हाँ, आपने सोचा होगा कि औरत है, एक साइड पे छुप के बैठ जाएगी, कुछ बोलेगी नहीं। गलत लगा था आपको। इससे पहले कि आप मुझे अपनी तीसरी बीवी से मिलवाएं, आपको मुझे आजाद करना होगा। तुम एक समझदार लड़की लगती हो और अपने ससुराल में कैसे रहना है शायद तुम जानती होगी। आज तुम्हारा मर्तबा मेरी जिंदगी में बहुत बुलंद हो गया। तुम बीवी हो मेरी, रोशनी की तरह। लेकिन एक बात याद रखना, तुम रोशनी एक सैयद जाती है जो तुम नहीं हो, इसलिए मैं चाहूंगा कि तुम मुझे रोशनी बीबी की खिदमत में हमेशा एक कनीज की हैसियत से हाजिर होना होगा। आप बेफिक्र हैं, मैं रोशनी बीबी को कभी महसूस भी नहीं होने दूंगी कि मैं उनकी सौतन हूं। मुझे खुशी हुई है जानकर कि तुम ऐसा सोचती हो। काश रोशनी के दिल में भी ये ख्याल आ जाए। क्या वो मुझे अपनी सौतन समझ रही है? मुझे रोशनी बीबी के कमरे तक ले चलिए। ये क्यों आई है यहां पर? रोशनी बीबी, ये क्या कर रहे हो तुम? आपके सामने मेरी औकात और मेरी नजर में आपका काम बताने आई। मैं आपकी गुलाम तो हो सकती लेकिन आपकी सौतन होना वो तो इस कनीज का सिर्फ एक मंजर है। सीमा, ये सब करने की जरूरत नहीं। तुम प्लीज वापस खड़ी हो जाओ। इसे
इस हवेली की बहू होने की शान सिर्फ आपकी है, इसीलिए आपको शान से ब्याह कर लाया गया था। मुझे तो सिर्फ मजबूरी के तहत लाया गया है, और मैं हमेशा इस हवेली में मजबूर होकर ही रहूंगी। बस आप मुझे अपनी खिदमत में कबूल कर लीजिए। बहुत रात हो चुकी है, आप लोग को आराम करना चाहिए। किसी भी चीज की जरूरत हो मैं जाग रही हूं, आवाज देके बुला लीजिएगा। आपने बुलाया था? हाँ, एक जरूरी बात है जो मुझे क्लियर करनी है आपसे करके। जी फरमाइए। वो आप कह रही थी कि राबिया में किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है, इसलिए वो मां नहीं बन सकती हैं। जी कहा था तो। लेकिन वो राबिया तो कह रही है कि ऐसी कोई बात नहीं है सर। झूठ बोल रही है, वो इल्जाम लगा रही है मेरे बेटे पर ताकि हम उसकी दूसरी शादी ना करें। अच्छा, तो उसके रिजल्ट जो है वो आप मुझे दिखा सकती हैं? मेरी बात पर यकीन नहीं है? नहीं, वो तो है। तो फिर? अच्छा, तो फिर समीर कहाँ है? उसे क्या कहना? उसे कहिए जरा तैयार हो जाए, मैं उसको अपने साथ देखकर जाना चाहता हूँ कहीं। हाँ, जी बुलाती हूँ। यहाँ क्यों आए? पुत्र, यहाँ पे हम वो डॉक्टर से चेकअप कराने आए हैं ना। यहाँ पे आपकी तबीयत ठीक है? हाँ, मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है, मैं तो बिल्कुल फ्रेश हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पेशेंट कौन है? पेशेंट ये बैठे ना आपके पास, समीर शौकत अली साहब है, पेशेंट है। मुझे क्या हुआ? अरे बेटे, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, हम तुमको चेकअप के लिए लेकर आए हैं यहाँ पे, ताकि हमें पता लग सके कि अब देखिए। अरे कहाँ जा रहे हो भाई, रुक तो जाओ। अब देखिए ये जमाना आ गया, हम देख कर आते हैं, अगर आ सकता है तो। माफ कीजिएगा डॉक्टर साहब। सीमा का कोई फोन आया? नहीं। नूर बीबी ने कोई राबता किया? नहीं। अम्मी, हमें कैसे पता चलेगा कि सीमा ठीक भी है कि नहीं? हम चलें सीमा की तरफ? नहीं। अम्मी, सीमा पता नहीं किस हाल में होगी वहां पे, मुझे बहुत फिक्र हो रही है उसकी, हम जाकर देखते हैं ना। नहीं, अब तो बुलावा आने पर ही जाना होगा। ओए, एक बात मुझे तू साफ साफ बता, तू मुझे वारिस दे सकता या नहीं दे सकता? नहीं दे सकता। अब ये बात पूरे शहर को बताएंगे क्या?
अच्छा भला मैंने रात में काबू किया हुआ था और आपने भाई ये कोई बात छुपाने की है? अजीब बातें करता है तू। फिरोजा, फिरोजा, ओ भाई कहाँ हो? क्या हो गया आपको? इतनी बड़ी बात आपने हमसे छुपाए रखी? इस घर का मालिक हूं मैं और आप मुझको धोखा दे रही हैं? कोई धोखा नहीं दिया मैंने आपको। आपको रिपोर्ट्स चाहिए ना राबिया की? मिल जाएंगी। अब ज्यादा सर पे ना चढ़ेंगे। अब रिपोर्ट से काम नहीं चलेगा, अब रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट यूं करके। किस बात का रिजल्ट? अगर आपकी ये बहू बच्चा पैदा नहीं कर सकती तो सुमेर की दूसरी शादी करना होगी। और ऐसा मैं आपको करने नहीं दूंगी। तुमको तो बेटा हम तलाक दिलवा कर घर भिजवा देंगे। अव्वल तो इतनी जुर्रत है नहीं आप लोगों में कि आप मुझे तलाक दिलवाएं। और अगर आपने मुझे तलाक दिलवा भी दी तो फिर भी मैं किसी और लड़की की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। ये क्या कह रही? तुम फिक्र ना करो, समीर की दूसरी शादी मैं करवाऊंगी। मसला दरअसल दूसरी शादी का नहीं है बेटा, मसला मेरी नस्ल के वारिस का है। और दूसरी शादी के बाद वारिस कब होगा ये कब बताओगी आप मुझे? देखो मैं वहां कवेत में कारोबार पे कारोबार किए जा रहा हूँ, फैक्ट्रियों पे फैक्ट्रियां खोले जा रहा हूँ, यहाँ पे जमीनें खरीद रहा हूँ, प्रॉपर्टीज खरीद रहा हूँ, बिजनेस कर रहा हूँ, पागल हो रहा हूँ बिजनेस कर करके। किसके लिए? वारिस तो है नहीं, कबों और चीलों के लिए कमा रहा हूं मैं ये सारा कुछ। देखो फिरोजा बेगम, अगर दूसरी शादी के बावजूद तुम्हारा बेटा मुझे वारिस न दे सका ना, तो फिर ये दूसरी शादी मुझे करना होगी। तूने कुछ नहीं सुना, समझ गई ना? तूने कुछ नहीं सुना। मैंने कुछ नहीं सुना जी, मैंने क्या सुनना है? तू पेट की हल्की है इसीलिए तुझसे कह रही हूँ कि इस घर की बात इस घर से बाहर नहीं निकलनी चाहिए, समझ गई ना? ना ना कुवेतन आपी, आप बिल्कुल फिक्र ही ना करें। आपको तो पता है ना मेरी आदत ही नहीं है इधर की बात उधर, उधर की इधर करने की। मैं तो बस गुजारिश करने आई थी। क्या? वो ना मेरी कमेटी की तारीख आ गई है, मुझे सिर्फ 10,000 रुपए की जरूरत है। एक तो तेरी जरूरत भी ना बड़े मौके पर पड़ती है हमेशा। मौके पर क्यों इतना आप? मैं समझी नहीं। पर मैं समझ गई, लेकिन एक बार फिर कह रही हूँ ये बात इस घर से बाहर नहीं निकलनी चाहिए, समझ गई ना? मैं आपको एक मशवरा दूं। क्या? वो मशवरा ऐसे है कि सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। राजा जी, राजा जी, जी, ये जो तुम तलाकन से शादी की राह हमवार कर रहे हैं ना, ये मैं होने नहीं दूंगी।
सबसे पहली बात तो ये है कि हम तलाकन के साथ शादी नहीं कर रहे। अगर हम शादी करेंगे तो ऐसी लड़की से, मेरा मतलब है कि ऐसी औरत से जिससे उम्मीद हो वो बच्चे की माँ बन सकती है। ये आखिरी फैसला तुम्हारा? कोई शक? तो फिर याद रखना राजा जी, तुम्हारा ये सुहाना ख्वाब चकनाचूर ना कर दिया तो कहना। क्या कर लोगी तुम? और तुम कर भी क्या सकती हो? मर्द तो यही समझता है कि औरत कुछ नहीं कर सकती, मगर औरत जो कर सकती है ना, जब वो कर गुजरती है तो फिर मर्द भी औरत की तरह चीखता है। देख, मेरे साथ पंगा ना ले, मेरी शादी से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं उसको यहाँ से कुवैत ले जाऊंगा, यहाँ भी सब कुछ उसी तरह चलता रहेगा जैसा है। जब उसे कुवैत ले जाओगे तो फिर हमारे पास वापस क्यों आओगे? ना मैं तुम्हारे किसी काम की रही, ना तुम्हारा बेटा। भाई जब तुमको अपनी मजबूरियों का इल्म है तो हमारे साथ जिद क्यों कर रही हो तुम? जिद लगाना तो एक बहाना है, तुम्हें एहसास दिलाना चाहती हूँ कि तुम्हारी भी कुछ मजबूरियां हैं। हमारी किसी किस्म की कोई मजबूरी नहीं है, हम यहाँ रहकर तुम्हें शादी करके दिखाएंगे। यही तो अब रहना पड़ेगा, क्योंकि कुवैत तो मैं तुम्हें अब जाने नहीं दूंगी। अरे कोई इसको समझाए, पर क्या किया जा सकता है। रोशाने, हफ्ते की शाम को वलीमे की तकरीब का शानदार एहतमाम कराओ, पूरी बरादरी को दावतनामा भेजो, सबको पता चलना चाहिए कि पीर शाहान अली शाह ने दूसरी शादी की है। उससे पहले मुझे यहां से इजाजत चाहिए। इजाजत चाहिए या फिर तलाक चाहिए? ये धमकी वमकी हमें मत लगाना। इसके बारे में अगर तुम बात करना चाहती हो तो अपने माँ बाप से कर सकती हो, जैसा वो कहेंगे वैसा कर लेंगे हम। इसका मसला मालूम पड़ गया है मुझे, जादू का असर है इस पर, तोड़ करना होगा, सब ठीक हो जाएगा। रोशाने बीबी, आपके बस में कुछ भी नहीं है। तुम यहां क्या कर रही हो? आपका दुख बांटने के लिए आई। दुख बांटने आई हो? तुम बांटोगी दुख? मुझे तो लगता है कि तुम दिल दुखाने के लिए ट्रेंड हुई हो, इसी काम के लिए लाया गया ना तुम्हें यहां पर। नहीं, मुझे तो खुद सजा मिली। सजा? किस बात की सजा? बताओ मुझे, क्या किया था तुमने जिसकी सजा ये शादी है? एक रात पहले मैं अपने रब से शिकवा कर बैठी कि क्या मेरे नसीब में शादी नहीं।
जैसी तैसी हो गई शादी। मुझे फलसफों में मत उलझाओ, इतना तो मैं जान गई हूँ सब कुछ एक प्लान है, लेकिन प्लान क्या है ये तुम मुझे बताओ। कि मनसब और मनसबदार की हिफाजत की जमानत के लिए एक औरत को कुर्बान होना होगा, और शायद इसी मकसद के लिए मुझे इस घर की औरत बनाया गया है। अपना ये फलसफा तुम अपने पास ही रखो, मुझे तो तुम्हारी सूरत से ही नफरत है, नहीं ये सूरत लेकर दोबारा मेरे सामने कभी मत आना, जाओ यहां से। चली जाओ यहां से, जाओ, तुम जाते क्यों नहीं हो? मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या सुना है? वो चाचा जी दूसरी शादी कर रहे हैं। कौन से चाचा जी? वो तेरे अब्बा जी और कौन से चाचा जी? तुझे किसने बताया? मैंने। ओ भाई मैंने नहीं, पूरे मोहल्ले ने सुन लिया है, पूरे इलाके ने सुन लिया है। बता मुझे तुझे कैसे पता चला कि राजा जी दूसरी शादी कर रहे हैं? वो खाला नासरा है ना, वो मेरी अम्मा को साथ लेके चाचा शौकत के लिए रिश्ता देखने गई है। नासरा? हेलो। हेलो भाई, कहते हैं कि जब खुशखबरी की खबर हो ना तो सबसे पहले अपने सबसे नजदीक प्यारों को देनी चाहिए, इसीलिए आपको फोन किया है मैंने। खुशी की खबर मेरे लिए या तुम्हारे लिए? दोनों के लिए है। फिर तो दोनों के लिए नहीं। देखिए सुल्ताना बेगम, बात अगर खुशी की खबर की होती ना तो वो और बात थी, लेकिन किस्मती की है, बस यूं समझ लें कि हम पर एक और निकाह जो है वो हिलाल हो गया है। और मेरा मतलब है कि इसके लिए फिरोजा की इजाजत की जरूरत ही नहीं है। क्यों, ऐसा क्या होगी? अरे उसको छोड़ें, अभी आप ये बताएं कि इस सुनहरी मौके से आप फायदा उठाना चाहेंगी? नहीं। ओहो देखिए ये जज्बाती फैसले करने का वक्त नहीं है मोहतरमा। चलो ठीक है, मैं आपको 2-3 दिन देता हूँ, आप आराम से सुकून से बैठकर सोच लीजिए। अगर आप मुझसे शादी नहीं करेंगे तो ये आराम और सुकून की जिंदगी जो है किसी और के हिस्से में चली जाएगी। देखो सुल्ताना, पहले फिरोजा रुकावट थी हमारे रास्ते में, अब तो मैदान बिल्कुल साफ है, दूर तक नजर आ रहा है। एक मशवरा दूं? देखो जरूर मशवरा दो, लेकिन मशवरा कुछ हसीन खूबसूरत सा होना चाहिए। हाँ तुम ऐसा करो, तुम किसी नौजवान लड़की से शादी कर लो, पर खुद भी किसी नौजवान लड़के की तरह घोड़े पर सवार होकर आओ बारात लेकर। मैं भी तुमसे बाघ पकड़ाई लूंगी भाई समझकर। हेलो, पक्का इरादा है फिर शादी का? तुमको अब भी कोई शक है इस पे? ये तबाही का रास्ता है राजा जी, अभी बता रही हूँ। देखिए मर्द को जब दूसरी शादी का मौका मिलता है ना तो किसी किस्म की कोई बर्बादी जो है उसके ऊपर असरअंदाज नहीं होती, ना ही उसके रिश्ते की रुकावट बनती है। ठीक है,
देखती हूँ कैसे मौका मिलता है इस मर्द को दूसरी शादी का। मेरी बात गौर से सुनो बेटा जी, तुम्हारा बाप दूसरी शादी करने का सोच रहा है। जानते हो इसका मतलब क्या? उस सारी जायदाद में हिस्सेदारी जिसके तुम अकेले वारिस हो। तुम बाप नहीं बन सकते ना, तो इसका गलत फायदा उठाकर तुम्हारा बाप अपनी दूसरी शादी का शौक पूरा करना चाहता है और जवाब ये बनाया है कि उसे अपनी नस्ल के लिए वारिस चाहिए, अपनी जायदाद का, अपनी दौलत का वारिस चाहिए। सारी विरासत चली जाएगी कहीं और। तू समझ रहे ना मैं क्या कह रही हूं? आप फिक्र ना करें। तो फिर अच्छी तरह सोच ले कि तुझे क्या करना है, क्योंकि जो करना है ना वो अभी करना है। फिकर ना कर, ना तेरे शौहर को दूसरी शादी करने दूंगी और ना अबे। सीमा, नूर बीबी, क्या बात है सीमा? तुम यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? शाह साहब घर पे नहीं है। और रोशाने? रोशाने बीबी अपने कमरे में है। एक बात तो तुम अच्छी तरह जानती हो ना सीमा, कि तुम्हें रोशाने की खिदमत में भी हाजिर होना है। जी नूर बीबी, मैं गई थी उनके कमरे में उनकी खिदमत के लिए, लेकिन उन्होंने कहा कि वो मेरी सूरत नहीं देखना चाहती और कमरे से बाहर भेज दिया। आइंदा उसके कमरे में जाओ तो घूंघट ओढ़ कर जाना। जी बैठो। दूसरी शादी वाली बात सच है? देख पुत्र, ये जो कारोबार है, ये जो पैसा है, ये जो जिदाद है सारी, ये मेरे बाप से विरासत में मुझे मिली थी। मेरे बाद ये तुझको मिलेगी और तेरे बाद किसको मिलेगी? मैदान साफ है। देख पुत्र,
तो वो तो मुझे वारिस दे नहीं सकता, लेकिन मैं तो अपने आप को वारिस दे सकता हूँ ना। ये मैं कुछ होकर शादी नहीं करना, मेरी मजबूरी है, कुछ शौक नहीं है मेरा, मजबूरी है। मैं अपनी जायदाद में से एक फूटी कौड़ी किसी को नहीं दूंगा। क्या क्या कहा? सही सुना, ये जायदाद, ये बिजनेस मेरा है और इसमें से एक फूटी कौड़ी भी मैं किसी को नहीं दूंगा। फूटी कौड़ी? ये सबक जरूर तेरी मां ने तुझे समझाया होगा, पढ़ाया होगा, लिखाया होगा तुझे, हैं? अच्छी बात नहीं, सही वक्त पे सही सबक सिखा दिया अम्मा ने। ओए बदबख्ता, क्यों अपने बाप की पूरी नस्ल तबाह करने पे तुला हुआ है? दूसरी शादी के शौक में आपने इस बात पर यकीन कर लिया है कि मैं आपको वारिस नहीं दे सकता। ना कोई टेस्ट हुआ, ना कोई रिपोर्ट आई। फर्ज करें ये बात सच भी है तो आपने एक दफा भी कहा कि पुत्र जी जाके अपना इलाज करवा लो। ये दूसरी शादी नहीं होनी चाहिए, और अगर हुई उसके बाद जो होगा उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। हेलो, शाम को हवेली में सीमा और शाह साहब के वलीमे की आलीशान तकरीब होगी। तुम अपनी बरादरी के जितने चाहे मेहमान बुला सकती हो, और नूर बीवी ने अपने बरादरी वालों को बुला लिया है। लेकिन मेरा तो कोई भी नहीं है। अरे उनका मतलब है कोई तो होगा, तुम जिसे जानती हो पहचानती हो उन्हें बुला लेना। बहुत शुक्रिया आपका। जी बहुत शुक्रिया। इसका फोन थामने, शुक्र खुदा का बुलावा आ गया। इसका मतलब है सीमा को हवेली में इज्जत मिल गई है। हाँ जरूर मिल जाएगी। तुमसे मुझे खुशबू आती है, दीन की खुशबू, फहम की खुशबू, अदल की खुशबू, अमल की खुशबू। सीमा, ये जो शाहान है ना, ये इस काबिल नहीं कि अपने मनसब के मामलात अपनी अक्लो फहम से संभाल सके। उसे एक समझदार लड़की की जरूरत थी, और मेरी ख्वाहिश थी कि तुम इस हवेली की बहू बनकर आओ। नूर बीबी, ये मनसब क्या है? मनसब ये एक अता है, इनायत है, एक खिदमत, रियाया की खिदमत। रब्बुल करीम ने इंसान को इंसान का मददगार बनाया है, लोगों के दरमियान इंसाफ करने के लिए। हमारे घराने को ये जो गद्दी मिली है ना, ये खिदमत के सिले में अता हुई है। जिस चीज को अल्लाह ताला ने अपना नायब कहा है वो ये गद्दी ही तो है। फिर तो इस पर बैठने वाला कभी झूठ नहीं बोल सकता। जो हक पर यकीन रखता है उसे बातिल की क्या परवाह। तो फिर नूर बीबी, आपने किस मसलहत के तहत वो झूठ बोला था?